नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मेरे चुंदेल। कोरोना के इलाज का इतना बिल आया कि सब सुनकर हैरान रह गए। दरअसल दिल्ली के साकेत में मैक अस्पताल ने एक कोरोना मरीज के कोविड इलाज का बिल 1.8 करोड़ रुपए बनाया है। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन से फटकार लगाई है। सोमनाथ भारती ने बताया कि मरीज को मैक्स अस्पताल में अप्रैल 2021 के आखिर में भर्ती कराया गया था और सितंबर 2021 की शुरुआत में छुट्टी दे दी गई थी। वहीं अस्पताल ने एक बयान जारी कर जवाब दिया है कि कोरोना मरीज के परिवार ने इलाज की फीस को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया था। वहीं अब आप विधायक सोमनाथ भारती ने इस मामले को उठाते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया है कि आपने किसी अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए शुल्क लेते हुए अधिकतम कितना सुना है? 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, नहीं, ये 1.8 करोड़ रुपये है। मैक्स हेल्थ केयर साकेत ने एक पत्नी से अपने पति के लिए ये अविश्वसनीय राशि वसूल की और जब मरीज की पत्नी ने छूट मांगने की लिए मेरी मदद ली गई तो उस पर चिल्लाया गया, हृदयहीन। अपने ट्वीट में सोमनाथ भारती ने आगे लिखा, पत्नी ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और संभवतः इस अविश्वसनीय बिल को भरने के लिए मदद ली थी। पति को 28 अप्रैल को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 4 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक रेगुलेटरी नियुक्त किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में तिवारी ने लिखा है, आपसे तुरंत स्पष्टीकरण मांगूंगा कि अस्पताल ने एक मरीज से इतनी अधिक राशि क्यों और कैसे ली, चाहे वो कितनी भी अस्वस्थ हो या ना हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को तुरंत एक रेगुलेटरी नियुक्त करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए। उधर अस्पताल ने भी अपना बयान जारी कर अपनी सफाई दी है। केस बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि रोगी डायबिटीज और हाई बीपी से ग्रस्त था और पित्तशय में संक्रमण, कमजोरी और निचले अंगों में धक्का जमना, लीवर की शीतलता और सिस्टेसिस के कारण मस्तिष्क के कार्य में कमी जैसी कई जटिलताएं विकसित हो गई थी। उन्हें 23 जुलाई को ECMO से हटा दिया गया था लेकिन 16 अगस्त तक ICU में भर्ती रहे थे। मरीज लगभग 4.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा और 6 सितंबर को उन्हें छुट्टी दे दी गई। वहीं मैक्स अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि 51 साल के मरीज को 28 अप्रैल 2021 को मैक्स अस्पताल साकेत के इमरजेंसी में लाया गया था, जो गंभीर कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। उन्हें जल्द ही ICU में शिफ्ट कर दिया गया। 10 मई को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजेशन पर उनके कोविड प्रभावित फेफड़ों को और नुकसान से बचाने के लिए शुरू किया गया था। लगभग 75 दिन तक रोगी को ECMO में जागृत अवस्था में रखा गया। आगे मैक्स अस्पताल ने आधिकारिक बयान में कहा है कि रोगी के परिवार को उसकी चिकित्सा स्थिति से अवगत करा दिया गया था और नियमित रूप से उपचार की लागत के बारे में परामर्श दिया गया। रोगी और उसका परिवार प्राप्त देखभाल और उपचार से संतुष्ट थे और उन्होंने मैक्स की वरिष्ठ चिकित्सकों और कर्मचारियों की टीम की सराहना की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।